नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन। आपके साथ आइए नजर डालते हैं देश विदेश की फटाफट खबरों पर। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी बैन किए टीवी पर अपने प्रवक्ता। एक टीवी चैनल के लाइव डिबेट से उठे राशिद अल। कारगिल युद्ध लड़ने वाले मोहम्मद सनाउल्लाह घोषित हुए विदेशी, भेजे गए डिटेंशन कैंप। YSR कांग्रेस चीफ जगमोहन रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद वो दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। मोदी कैबिनेट में यूपी रहेगा नंबर वन। 10 से अधिक उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता बन सकते हैं मंत्रालय के मंत्री। बाराबंकी शराबकांड के बाद अब सीतापुर में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, 4 गंभीर। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद गांधी परिवार को एक और झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामले में हरियाणा के पंचकुला स्थित 64,93,00,000 की कीमत वाली संपत्ति को जल्द ही अपने कब्जे में लेगा। वर्ल्ड कप 2019 ओपनिंग मैच का धमाका आज, इंग्लैंड अफ्रीका के बीच मुकाबला। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारतीय मूल की लेखिका एनी जैदी ने जीता $1,00,000 का वैश्विक पुस्तक पुरस्कार। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आज किया जाएगा लंदन कोर्ट में पेश। तकनीकी खराबी के कारण 2 दिनों से लंदन में फंसा है एयर इंडिया का विमान, यात्री परेशान। अभी आप देख रहे थे देश विदेश की फटाफट खबरें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।